सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास हेलो फ्रेंड्स आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए आपके सारे डाउट्स सेवन आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी तो अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस राइट तो मान लीजिए कि फरीदा राइट right? फरीदा के पास नाइन सेंटीमीटर तो फरीदा हैड अ सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबिंग राइट तो नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबिन है फरीदा के पास अब वो पर्टिकुलर स्ट्रिप को कट करती है फोर इक्वल पार्ट्स में तो शी कट दिस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मतलब कि मान लीजिए कि ईच पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना हो राइट तो ईच पार्ट विल बी नाइन बाय फोर राइट हर एक पार्ट को हम लोग नाइन बाई फोर से रिप्रेजेंट करेंगे राइट ऑफ दिस स्ट्रिप टोटल में से नाइन बाई फोर्थ पार्ट मतलब कि ईच पार्ट की लेंथ होगी राइट right? तो नाइन बाय फोर हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा चारों पार्ट में उसको डिवाइड किया है राइट right? अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिप है उसको मान लीजिए कि हम लोग पर्टिकुलर जो एक पार्ट है उसको हम लोग हाफ में डिवाइड कर रहे हैं राइट तो हम लोग क्या करेंगे तो जो फरीदा है उसने अगेन नाइन बाय फोर्थ पार्ट लिया और उसका भी हाफ कर दिया राइट तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि वन बाय राइट वन बाय टू ऑफ नाइन बाय फोर राइट तो इसको अगर हमें लिखना हो राइट right? दूसरे फॉर्म में तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू इन टू नाइन अपॉन फोर राइट इस फॉर्म में भी हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं राइट right? अब यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है उसको अगर फाइंड आउट करें राइट right? तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे तो उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे बेसिकली बेसिक basic से वन अपॉन टू इन टू वन अपॉन थ्री को राइट right? तो वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री को हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे कि वन बाई थ्री को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं राइट right? तो पहले इसको हम लोग सिस्टमेटिक टर्म में अगर लिखे तो वन बाई थ्री को कैसे फाइंड आउट करें तो एक सर्कल बनाएंगे राइट right? अब उस सर्कल का हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे राइट right? तो तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा राइट right? ये इस तरीके से तीन हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीनों इक्वल पार्ट्स में राइट ईच पार्ट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट वन अपॉन थ्री राइट हर एक पार्ट वन अपॉन थ्री को ही रिप्रेजेंट करता है राइट right? अब उसके बाद हम लोग बी देखेंगे जो सेकेंड मेथड है उसमें कैसे रिप्रेजेंट करवाए राइट तो अब वन बाई थ्री का अब वन बाई टू पार्ट मतलब कि उसका भी हाफ पार्ट करेंगे राइट right? तो उसका हाफ पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे तो जैसे हमने पहले किया था वो वन बाई थ्री तो एज इट इज ही है बट एक और लाइन अगर ऐड कर दे तो एक पर्टिकुलर पार्ट part का भी हमने हाफ यहां पर पार्ट फाइंड किया तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ईच ऑफ दिस टू parts Right represents one upon two of one upon three. Right, one upon two of one upon three is, for example, one upon two. इन टू वन अपॉन थ्री राइट तो हर एक पार्ट इस मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है राइट right? तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर जो सी मेथड है सी में हमें दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है जैसे कि वन अपॉन टू है राइट right? तो वन अपॉन टू इन टू वन अपॉन थ्री तो जब कभी भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो तो न्यूमरेटर में जो भी है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा और में जो भी है उनका मल्टीप्लिकेशन तो वन और डिनोमिनेटर में टू इंटू थ्री है तो यहां पर सिक्स आएगा राइट तो वो जो पर्टिकुलर हमने पार्ट फाइंड आउट किया उसका आंसर यहाँ पर वन अपॉन सिक्स मिलेगा राइट तो यहां पर बेसिकली हमने जो फाइंड आउट किया है वो हमें कैसे मिला तो ऊपर न्यूमरेटर में वन इंटू वन करने से वन मिला और डिनोमिनेटर में बेसिकली टू इंटू थ्री करने से यहाँ पर सिक्स मिला राइट right? <coughs> तो वन इंटू वन अपॉन टू इंटू थ्री राइट सिमिलरली अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पर सिमिलर में वे में वन इंटू वन और डिनोमिनेटर में थ्री इंटू टू करने से भी हमें सिक्स ही आंसर मिलेगा राइट right? आंसर हमारा यहां पर सेम ही मिलेगा तो बेसिकली हम लोग यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू इन टू वन अपॉन थ्री राइट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इन टू वन अपॉन टू राइट तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ और यहां पर इसका आंसर तो हमें सेम ही मिलने वाला है और वो होगा वन अपॉन सिक्स राइट सेम आंसर मिलेगा सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स अगर फाइंड करें राइट right? तो यहां पर पहला एग्जाम्पल हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड वन अपॉन थ्री राइट इन टू वन अपॉन फोर राइट तो वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन फोर इसका जो आंसर होगा वो हम मिलेगा वन इंटू वन राइट तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 3 4. तो डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पर आंसर मिलेगा वन इंटू वन वन और थ्री इंटू फोर वो मिलेगा ट्वेल्व राइट सिमिलरली अब जो दूसरा है राइट right? दूसरा मल्टीप्लीकेशन वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है उसमें बेसिकली वन अपॉन फोर आगे है राइट right? तो वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन थ्री राइट तो वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू अगेन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर तो वन इंटू वन अपॉन फोर इंटू थ्री right? राइट तो यहाँ पर फोर इंटू थ्री आएगा अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आंसर मिलेगा वन अपॉन फोर इंटू थ्री वो मिलेगा ट्वेल्व तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर इन वन अपॉन थ्री राइट तो इस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन हमें मिल सकता है राइट right? सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे तो फाइंड बेसिकली है ये वन अपॉन टू राइट इन टू वन अपॉन फाइव वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन फाइव इसका आंसर अब फाइंड करेंगे तो पहले न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन आएगा तो वन इंटू वन अपॉन डिनोमिनेटर में टू इन राइट तो यहां पर हमारा आंसर मिलेगा वन इंटू वन वन एंड अपॉन टू इंटू फाइव टेन राइट और यहां पर एंड वन अपॉन फाइव पहले लिखेंगे तो वन अपॉन फाइव इन टू यहां पर आएगा सेकेंड टर्म वन अपॉन टू राइट सो दिस इज इक्वल टू वन इन टू वन राइट अपॉन यहाँ पर आएगा फाइव इंटू टू राइट अब वन इंटू वन इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर मिलेगा वन अपॉन फाइव इंटू टू फाइव इंटू टू होगा टेन राइट right? अब यहां पर जो रिजल्ट हमें मिला उसकी अगर बात करें तो वन अपॉन टू इन टू वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव इन टू वन अपॉन टू राइट तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन में एक तरीके से ये कम्यूटेटिविटी है उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे ट्राई दिस राइट तो यहां पर लिखेंगे ट्राई दिस तो ट्राई दिस में पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है वन अपॉन टू इन टू वन अपॉन सेवन राइट तो वन अपॉन टू इन वन अपॉन सेवन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन न्यूमरेटर वन इंटू वन अपॉन टू इंटू सेवन राइट तो यहाँ पर आएगा टू इंटू सेवन इंटू वन वन आएगा एंड अपॉन टू इंटू सेवन वो हो जाएगा फोर्टीन राइट right? तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन मिलेगा अब सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर दिया गया वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन सेवन राइट तो पहले न्यूमिरेटर में मल्टीप्लीकेशन तो यहां पर मिलेगा वन इन टू वन अपॉन फाइव इंटू सेवन तो वन इंटू वन इज इक्वल टू यहां पर मिलेगा वन राइट एंड फाइव इंटू सेवन तो बेसिकली उसका आंसर होगा थर्टी फाइव थर्ड एग्जांपल देखते हैं थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वन अपॉन सेवन तो वन अपॉन सेवन इन टू यहां पर इंटू वन अपॉन टू तो वन इंटू वन अपॉन सेवन इंटू टू तो, तो, तो यहाँ पर आंसर होगा वन अपॉन फोर्टीन राइट right? फिर फोर्थ एग्जाम्पल में यहां पर दिया गया है वह है वन अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन फाइव राइट तो वन अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन फाइव तो वन इंटू वन पहले लिखेंगे तो वन इंटू वन अपॉन सेवन इंटू फाइव राइट तो बेसिकली यहाँ पर जो वन इंटू वन है वो वन मिलेगा एंड सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव मिलेगा राइट right? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं